अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका रियल फूडी शाहिद मलिक एंड आज मैं किसी रेस्टोरेंट के ऊपर नहीं आया, बेसिकली आज मैं मौजूद हूँ एक सैलून पे। और मेरी काफ़ी ऑडियंस को पता है कि मैं खाने के साथ साथ ग्रूमिंग को भी प्रमोट करता रहता हूँ। तो बेसिकली मेरे कर्ली बाल हैं एंड आपके सामने की जो इनकी यहाँ पे सिचुएशन है इस टाइम, तो बेसिकली आज मैं मौजूद हूँ H1 सैलून पे जो कि लोकेटेड है फैसल टाउन अकबर चौक के पास। और यहाँ पर मैं इनकी सर्विसेज अवेल करूँगा, उनमें जो मेन चीज़ है जो वो है हेयर केराटिन ट्रीटमेंट। उससे पहले हेयर कटिंग होगी, बियर्ड होगी, फिर वो हेयर केराटिन ट्रीटमेंट होगा। तो उसका प्रॉपर प्रोसेस, यहाँ की टाइमिंग, यहाँ के रेट्स, क्या सारा सिनेरियो, मैं ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जो सबसे मेन बात है, मुझे इस सैलून ने इसलिए अट्रैक्ट किया कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, उसके साथ साथ यहाँ की जो सर्विसेज हैं वो बहुत हाइजीनिक है। तो अब मैं सर्विसेज अवेल करता हूँ, फिर बताता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा है। तो बातें होगी काफ़ी, अभी चलते हैं वीडियो की जानिब। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब का बटन नीचे है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आप इस तरह की ज़बरदस्त किस्म के रिव्यूज़ और वीडियोस टाइमली देख सकें। तो अभी चलते हैं वीडियो की जानिब और ये ज़बरदस्त किस्म की जो सर्विसेज की प्रॉपर वीडियो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलें फिर आ जाएं।
तो फाइनली अब मैं हो चुका हूँ फ्री और अब मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करता हूँ जो यहाँ पर मैंने सर्विसेज अवेल की और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं हेयर केरेटिन ट्रीटमेंट की। बेसिकली ये दो दिन का ट्रीटमेंट था। क्या कहते हैं कि फर्स्ट डे के ऊपर इन्होंने मुझे क्या कहते हैं सबसे पहले हेयर शैम्पू किया और उसके बाद क्या कहते हैं कि हेयर केरेटिन ट्रीटमेंट जो प्रॉपर उनकी क्रीम होती है वो की। और वो जो क्रीम थी बेसिकली वो ब्राज़ीलियन प्रोडक्ट थी तो उसके ऊपर मुझे ऑलमोस्ट दो दिन लगे और वैसे भी आपको दो दिन ही लगते हैं। और उसके बाद जब नेक्स्ट डे आया तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि मेरी कटिंग प्रॉपरली की गई, उसके बाद बियर्ड की गई और उसके बाद क्या कहते हैं कि इसके ऊपर उन्होंने हेयर मास्क को अप्लाई किया और उसके बाद फिर स्टाइलिंग हुई। अब सबसे मेन जो बात है कि ये मतलब ये कितने में मुझे कॉस्ट पड़ा और क्या सारा प्रोसेस था। तो क्या कहते हैं कि जो मेरे बालों की लेंथ है ये अराउंड कोई 2 से 2.5 इंच है, तो इसकी जो प्राइस थी दैट इज 6,500, मतलब 6,500 रुपये में ये मेरी हेयर केरेटिन ट्रीटमेंट हुई। उसके बाद जब मैंने बियर्ड करवाई उसके 300 चार्जेस थे और उसके बाद जो हेयर कट करवाया साइड फेड्स थे बेसिकली उसके 500 चार्जेस थे। अब जो एक और मतलब बड़ी ज़बरदस्त बात है वो ये कि यहाँ का एक तो एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है, स्पेशली जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और जो सर्विसेज हैं वो बहुत हाइजीनिक है ऑन द सीरियस नोट। और उसके साथ जो एक और ज़बरदस्त बात है वो ये कि मतलब यहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस और डील्स भी चलती रहती हैं, आप यहाँ पर आएँ और उसको अवेल कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ लेडीज़ की हेयर केरेटिन ट्रीटमेंट की तो अभी इनकी एक डील चल रही है, लाइक उसमें 15,000 में वो लेडीज़ का जो आई गेस शोल्डर टू हिप जो उनकी लेंथ है उसको वो करते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मैं आपको क्या कहते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड उस कॉन्टैक्ट नंबर से आप उनको अप्रोच करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और जितनी भी आपको डिटेल्स चाहिए मतलब कोई भी अगर आप सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप उनको वहाँ पर कॉल करें, आपको एक एक चीज़ की मालूमात प्रॉपरली मिल जाएगी। तो वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू क्या कहते हैं कि जिन लोगों ने भी मतलब मेरा काम किया, उसमें एक तो क्या कहते हैं भाई कराची से थे और माशाल्लाह से उनका कोई 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद क्या कहते हैं कि नेक्स्ट डे के ऊपर एक और भाई थे, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त मतलब उनका काम था। तो मैं तो मतलब यहाँ की जो सर्विसेज हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप आना चाहें यहाँ पर तो आ सकते हैं। मेन बात यार यही होती है कि जाहिर सी बात है जहाँ पे आप इतने ज़्यादा पैसे दे रहे होते हो वो रीज़न ये होता है कि आपको सर्विसेज हाइजीनिक मिलें, तो वो बिल्कुल यहाँ पर इस चीज़ की मैं श्योरिटी देता हूँ कि हाइजीनिक सर्विसेज मिलती हैं और रेट्स भी ऑलमोस्ट इकोनॉमिकली हैं क्योंकि जिस तरह का एनवायरनमेंट और बाकी सारी चीज़ें। और अगर हाँ इस तरह की आप और कुछ मतलब डिफरेंट वीडियोस देखना चाहते हैं, मतलब उसमें डिफरेंट रिव्यूज़ हो सकते हैं, मोबाइल के रिव्यूज़ हो सकते हैं, फूड के रिव्यूज़ तो ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ और उसके साथ क्या कहते हैं कि ग्रूमिंग भी चल रही है। अब ग्रूमिंग की भी इंशाल्लाह वीडियोज़ और मैं आहिस्ता आहिस्ता लाता रहूँगा और आप इसको देखते जाइएगा। एंड नाउ फॉर दिस टाइम एक ही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब का बटन नीचे है तो चैनल को करने सब्सक्राइब। और अब आप मुझे दें इजाज़त। एंड नाउ फॉर दिस टाइम टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मलिक, अल्लाह हाफिज़। Man, you fucking with the man now. Hey. Heavy metal flow, I'm getting bands now. Hey. When I do a show, them bitches camp out. Ooh. Bitches wanna ring, I ain't no Gandalf. I'm